भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी अपडेट, टिकटॉक यूसी ब्राउजर समेत पूरे 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। भारत में अब यह सब एप्लीकेशन नहीं चलने वाली है। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखो, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वो एप्लीकेशन है जो इंडिया में बैन कर दिया गया है, अब वो इंडिया में आप सभी को नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा अपडेट टिकटॉक का है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक बैन कर दिया गया है भारत में और आप अब से टिकटॉक को यूज नहीं कर सकते हैं। उसके साथ यूसी ब्राउजर, शेयर इट, एक्सजेंडर, वीगो, लाइकी, हेलो ऐप, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, सभी को ऑफ बैन कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों वो सारे एप्लीकेशन हमारे डाटा को चोरी करता था और चोरी करने के बाद हमारे सिस्टम को हैक करके हमारे हमसे ब्लैकमेल करता था। टोटल चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। 59 ऐसे चाइनीज एप्लीकेशन है जो हमारे डाटा को लीक करता था और वो डाटा को हमारे यहाँ से चुरा करके अपने कंपनीज को देती थी। वो सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट टिकटॉक को लेकर के है। टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, टिकटॉक को बैन कर दिया गया है भारत में। 59 ऐसे एप्लीकेशन जो चाइनीज थे सारे को बैन कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप सारा चाइना का एप्लीकेशन का लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल एप्लीकेशन, यहाँ पर 59 ऐसे एप्लीकेशन है, सभी को बैन कर दिया गया है। यहाँ पर आप सबसे पहले हेडलाइंस देख सकते हो, लिखा हुआ है टिकटॉक यूसी ब्राउजर समेत भारत में 59 चाइनीज ऐप पर लगाया गया प्रतिबंध। इस तरीके से दोस्तों यहां से आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो मैं आप सभी को दे रहा हूं। आप सभी को न्यूज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। यहां से आप लाइव देख सकते हो टिकटॉक का नाम सबसे पहले आ रहा है। टिकटॉक, शेयरइट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, टोटल ऐसे एप्लीकेशन जो हमारे डाटा को लीक करते थे, सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूले। सभी को पता चलना चाहिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।